अल्लाह मियां मंजे मौका देखो एक मिनिस्टर बनने का, मेरी जवाबदारी बनती है, ये अल्लाह के घर की हिफाजत मंजे देखो है। यहाँ वक्फबोर्ड के अंदर कौन तो भी लेना तो दूर की बात, वक्फबोर्ड के अंदर एक पैसा खाने का सोचा तो उसके बच्चा को कीड़े पड़ को मरती करो ऑफिस रंग बोल दो दिन की दुनिया जी। अब मैं इतना बात कर रहा हूँ क्या सीढ़ी से नीचे उतर तो नहीं मंजे मालूम नहीं। अल्लाह हमने मौका दिया, अल्लाह की घर की आस्ती जी बचाओ जी उसे अल्लाह के वास्ते। बच्चा मीटिंग रख लो, उनको एक डेडलाइन दे रूम में। डेडलाइन क्या डेडलाइन है, ये ले को तुम्हें ये 15 दिन के अंदर ये हमना खाते जो भी खाते बना को देना, खाते बना को देना, जो एनक्रोचमेंट है एनक्रोचमेंट खाली करको देना करको बोल को उनको डेडलाइन देखो, वो काम हमें इंशाल्लाह कराते तो तुम्हारे से भी मुतल्लियन से मेरी आजीजाना गुजारिश मेहरबानी करको। लालच तो सबको रहती है, अल्लाह के वास्ते ये वफ की प्रॉपर्टी जो है ये अल्लाह की आस्ती है, हमें लेना तो दूर की बात। मुझे बोले उनकी साहब वफ में जैसा मैं मिनिस्टर बने पूरे ऑफिसरों को बुलाया एक मीटिंग कर जेते साल से तो मैं काम करी बा मई मिनिस्टर बनकर अल्लाह मियां मंजे मौका बन अल्लाह मियां मंजे मौका देखो एक मिनिस्टर बनने का, मेरी जवाबदारी बनती है ये अल्लाह के घर की हिफाजत मंजे देखो है, ये अल्लाह की आस्ती बचाने की प्रॉपर्टी का जिम्मेदारी अल्लाह मंजे दिया। तुम्हें इतने साल से काम कर रही है, पैसा को हर एक को लालच था तुम्हें गवर्नमेंट ऑफिसर। यहाँ वक्फबोर्ड के अंदर कौन तो भी लेना तो दूर की बात, वक्फबोर्ड के अंदर एक पैसा खाने का सोचा तो उसके बच्चा को कीड़े पड़ को मरती करो ऑफिसर बोल को सोच लेना तो दूर की बात जी, लेना तो दूर की बात। अगर कौन तो भी लालच कर दलिया ये वक्फबोर्ड के अंदर मैं करया तो इतने करोड़ों आ जाती, मेरी मेरी खानदान की भलाई होती, मेरे बच्चा का फायदा होता हो जाता, अल्लाह की कसम उसका नहीं होता, उसके बच्चे कीड़े पर को मिलती जो वहां तो तड़ा अशर के मैदान में तो इतनी बुरी हालत होती उसकी उन्हें सोच भी नहीं सकता। ये दुनिया टेम्पररी जी है, दो दिन की दुनिया जी। अब मैं इतना बात कर रहा हूँ यहाँ सीढ़ी से नीचे उतर तो नहीं मंजे मालूम नहीं। अल्लाह हमने मौका दिया, अल्लाह की घर की आस्ती जी बचाओ जी उसे अल्लाह के वास्ते बचाओ, अल्लाह के वास्ते भीख मांगते मैं तुम्हें एज ए मिनिस्टर बनकर तुमने भीख मांगते मैं ये कुछ कारनामा करके दिखाओ, अल्लाह के हशर मैदान में जाको गटको अल्लाह को जवाब देंगे अल्लाह मियाँ तुम्हें मुझे ये जवाबदारी दिए थे, ये जवाबदारी में ये फलाना काम करको फलाना ये काम करको तुम्हारी आस्ती में बचा करको अल्लाह के पास जाको गट से सीधा सीना छोड़ को सीना चौड़ा करको अल्लाह के पास जाको पूछेंगे। हमारी सबकी जवाबदारी होती है, सबकी जवाबदारी होती है अल्लाह के वास्ते। मेहरबानी से वक्फबोर्ड के अंदर बहुत से जने लालच रख लेंगे, नको करो आज के बाद जो करें भूल जाओ, हमारी आस्ती नहीं मेरी नहीं तुम्हारी नहीं अल्लाह की आस्ती जी। आदमी इसके पहले बोले वक्फ क्यों करता, उनके रिश्तेदार होते हुए उनके माँ बाप के जोरू की तरफ के रिश्तेदार रहती, बाबा की तरफ के रिश्तेदार रहती, अम्मा की तरफ के रिश्तेदार रहती, वो होते हुए भी वक्फ की करती हमारी कौम को इसका फायदा पहुंचे देकर को, ये नहीं कि हमें खाको बैठ को हमें मजा करें देकर को। एक पैसा खाना हराम है जी, एक पैसा खाना हराम है, वो सोचना हराम है। अल्लाह के वास्ते एक मेहरबानी एज ए मिनिस्टर कहना थे अल्लाह हमने अब मौका दिया खिदमत करने, मैं कब तक करता मालूम नहीं, पल भर का मुझे भरोसा नहीं। इसके पहले बोलिया किसी भी इंसान को पल भर का भरोसा नहीं, पल भर का किसे भरोसा नहीं, हमें यहाँ क्या भी नहीं है। मैं हर एक को बोलता हूँ साहब तुम्हें इतना ये करती वो करती क्या भाई, मैं यहाँ क्या छोड़ को क्या लेको जाने का है, खाली हाथ आया खाली हाथ जाना, खाली हाथ आया मेरी अरमान एक अंगूठी डाली दो डायमंड की, कम से कम 90 लाख रुपए की वैल्यू है डायमंड की अंगूठी है, कितनी बोला 90 लाख रुपए नहीं है, कब की लिया था सो 40 साल पहले 30-35 लाख को लिया था, आज 90 लाख की प्रॉपर्टी, ये 90 लाख का डायमंड है। मेरे बच्चे को मालूम, मेरे भाइयों को मालूम, मेरे बीवी को मालूम, मेरी अम्मा को मालूम, बचपन से ये जमीर को डायमंड डालने की आदत है। अब मैं खुदा ना करे मर गा तो मेरा बच्चा मेरी अम्मा ए मेरा बच्चे की अरमान भाव से छोड़कर बोलती है, मेरे औलाद ए हमारे बाप की अरमान थी है वो अंगूठी छोड़ लगकर बोलती है, अंगूठी नहीं मिला तो क्या करती है उसे काट कर निकाल ले क्या करती है, एक तरफ भाई लड़ती एक तरफ बेटा लड़ता एक तरफ जोलू लड़ती, छोड़ देंगे जी मेरी अरमान घर को छोड़ दी मंजे, लास्ट में क्या बोलो मट्टी में जाती मूछती वापस आया थी। जवाब कौन देना ससर के मैदान में, कौन बेटा नहीं आता, कौन भाई नहीं आता, कौन दोस्त नहीं आता, जोरू नहीं आती, अम्मा नहीं आता, बाबा नहीं आता, हमें खुद हमारा जवाब देना। सो ये आखिरत की पूंजी कमाने का तुमने लोगों को एक मौका मिला अल्लाह का वास्ता। एक आजीजाना गुजारिश करते हुए आज के बाद वफ की प्रॉपर्टी हमने नको, वफ की प्रॉपर्टी में बचाना कैसे, इसे फायदा कैसा करको, चार गरीबों को यह फायदा पहुंचा करने का हमें सब मिलकर काम करना करको। एक आजीजाना गुजारिश करते हुए अर्जिया टोकन देखो ही टोकन जैसा टोकन देखो ही वन बॉयन कितना भी खोत होंगे मैं बैठता हूँ वो अर्जा लेता हूँ, तुम्हारे जितने भी मसले हैं वो और एक अब क्या करे कॉम्पाउंड नंगा एनकरेजमेंट बहुत नसीर अहमद साहब सलीम अहमद साहब जबरदस्त
जबरदस्त। अब क्या करे हमारे में कॉम्पाउंड का साहब, पहले में क्या था कॉम्पाउंड का जबरदस्त सलीम साहब, कॉम्पाउंड नाम को क्या करते थे, कोसा तो एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट से हमना कोसा एक तालुका से वफ का कॉम्पाउंड डालना कर को एक 40 लाख रुपए का प्रपोजल लगा दिया तो 5 से 10 लाख रुपए मिनिस्टर क्या करते उसे ग्रांट देते थे 40 लाख के काम को। अब 40 लाख के काम को 10 लाख दिया तो क्या होता, तो उन्होंने ईट टैंकी बालू की लका को डाल को वो ईद का मैदान खत्म नहीं होता था, एंट्रोचमेंट होने को जरा। अब हमें पूरा नवे सर्वे करा को साहब, अब वो कॉम्पाउंड नाम को बंद कर देने, खाली मस्जिद रिनोवेशन को पैसे दे रही, कॉम्पाउंड नाम को बंद करको क्या करिए एक मॉडल टाइप कॉम्पाउंड करको हैबिटेट सेंटर करको अपॉइंट कर दे ली उनको। अब हमें क्या करें ऐसे मॉडल टाइप खबरस्तान है, एक ही मॉडल पूरे एक मॉडल कॉम्पाउंड नाम बना को हरिया कलर का पेंट मालूम होना है हमारी घर को, क्या बोला हमारी घर को दूर से दिखना है हमारी घर, क्या बोला ये वोट की प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी का, तो दूर से देखे तो शैतान को दिख जाना, ये नहीं भाई हल्ला कलर का छोड़ो लोकर को, वैसा करना करो इंशाल्लाह तय करी वो सर्वे करा रही, वो सर्वे के अंदर इंशाल्लाह कहां कहां हर जगह पूरा एकदम से एक साथ में कराने होता नहीं, हमें क्या करें सर्वे करको। अब शायद इसके अंदर सिग्गोंग के अंदर 2 ईद के कंपाउंड को शुरू कर दें काम, 3 ईद के कंपाउंड का एनक्रोचमेंट हो लग जाता था, हमें कहां कहां एनक्रोचमेंट होता वहां वहां करना करको तय करी, वो इंशाल्लाह वो करती। उसे ये करते हुए तमाम से गाजीजाना गुजारिश करते हुए मेहरबानी करको गला डालना को कर लियो, जो मसले हैं वो बोलो, तुम्हारे ग्रांडा व्रांडा का तुम्हें बाद में दियो वो इंशाल्लाह दे तो अल्लाह के घर का काम का, तुम्हारे घर का नहीं हो वो देना मैं देता हूँ, पहले हमारे आदमी आपको जो मसले ही एनक्रोचमेंट का हो गए, खाते नहीं हो गई म्युनिसिपैलिटी के अंदर खाते नहीं हो गई, डिपार्टमेंट का क्या तकलीफ है उन्होंने आपको अर्जा मंजे दे ले तो वो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर वो जद्दोजहद वो मसला हल करने की हमें तमाम मिलकर कोशिश करती करते हुए तमाम में हमारे इंडिया वक्फ बोर्ड के डिपार्टमेंट के तमाम हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का सीईओ साहब का ऑफिसर्स का खासकर ये प्रोग्राम बेहतरीन होना अगर को हमारे हुबलू के अंजुमन हमारे हिंडेजगिरी साहब के उनके तमाम मेंबर्स का और धारवाड़ के हमारे अंजुमन के अध्यक्ष स्माइल टमाटकर का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हुए, तुम्हें पर्सनल या कौम का काम करको जो तुम्हें लेको जो दिल से लेको करे आपका शुक्रिया अदा करते हुए आप जो उम्मीद से ये प्रोग्राम करिए आज तुम्हारा वादा करता हूँ आवाम के सामने ये काम जो भी अर्जा आती वो मेरा काम समझ को अर्जा का पूरा काम मसला हल कर दूंगा कर कहते हुए आखिरी में दुआ की दरखास्त करते हुए अब हर आदमी में क्या है मैं दिखता हूँ यता चत्ता है ना क्या क्या की करको निकल जाता ना घर को हर आदमी मेरे ऊपर नजर नजर से पत्थर भी पिघलता तुम्हारे लोगों से गाजी जाना गुजारिश मेहरबानी से जब जब तुम्हें नमाज पढ़ती मेरे हक में ये नहीं दुआ मांगना जमीर अहमद खान को दौलत दियो करके दुआ नहीं मांगना जमीर अहमद खान को सेहत तंदुरुस्त होकर को दुआ नहीं मांगना जमीर अहमद खान को और पावरफुल मिनिस्टर बनकर को दुआ नहीं मांगना हमारा बच्चा जमीर अहमद खान जब तक जिंदा है उसे और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमान देकर को दुआ की दरखास्त करते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। मेहरबानी से गलाटे निकल लेना एक एक टोकन अंदे कोई टोकन हिसाब से हमें बैठे हैं सलीम साहब बैठे जब्बार साहब बैठे अनवर साहब बैठे इंडिया डेजी साहब बैठे स्माइल टमाटर सनत ही साहब बैठ कोई लका को मेहरबानी से तुम्हें टोकन के हिसाब से लका को तुम्हारे अर्जियां दो आराम से इंशाल्लाह तुम्हारा काम होता करको दुआ की दरखास्त करते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। सलाम अलैकुम अल्लाह हाफिज़।